तो वहीं नामांकन के आखिरी दिन बालाघाट से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी भुवन सिंह कुर्राम ने पर्चा भरा है। और इससे पहले भुवन सिंह कुर्राम ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पे उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। 24 घंटा डायल 100 के रूप में उन्होंने कार्य किया है, जिसका बालाघाट की जनता दसों ब्लॉक से जो भी आए हुए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। वहाँ के सारे संगठन है जो विभिन्न नाम से संचालित होते हैं, तो ऐसे संगठनों का ये सामूहिक निर्णय है और एक ऐतिहासिक निर्णय है कि इस प्रकार का जो आज प्रत्याशी बना है, तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता कि किसी पार्टी को हम किसी पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने भी आदिवासियों की जो वोट बैंक है उसकी समीक्षा उनके पास में है, बहुत सारे प्रलोभन आए, लेकिन मेरा जैसा अगर व्यक्ति निर्णय सभी ले लें तो आज हमारे बालाघाट जिले की जो नेतृत्व है, जो चाहे वो जिला पंचायत हो, सरपंच हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, सारे संवैधानिक पद पे बैठे हुए अगर ऐसे चुन के जाएंगे और तो वो ऐसे लोग ना ही बिकेंगे, ना ही झुकेंगे और ना ही किसी प्रकार से भ्रमित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैसेज देना चाहूंगा पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता को कि इस बालाघाट क्षेत्र में अपार कहना चाहिए संभावनाएं हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, कृषि के लिए, और सारी जो व्यवस्था जो डेवलपमेंट इस बालाघाट जिले का होना चाहिए उस मुहिम के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे आपका समर्थन मिला, आपने मुझे अगर यहां से सांसद भेजा, तो कहीं ना कहीं यहां की आवाज बुलंद करने में कहीं नहीं हिचकूंगा। बस इतना कहता हूं।